स्थायी सदस्य बनने के लिए ये लाल बटन दबाएं और हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जिंदल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पहली वीडियो आई थी उसमें मैंने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम को हाफ ही पढ़ाया था, यानी कि फर्स्ट हाफ मैंने उसमें कराया था उसका, और सेकेंड हाफ के लिए जो ये मेरी वीडियो है वो आज आपके सामने हाजिर है। तो इस वीडियो में मैं आगे की पूरी पोएम को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा फर्स्ट हाफ जो है वो अच्छा लगा होगा और ये भी आपको उतना ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। They clicked their tongues। थोड़ा हम पिछली वीडियो का अगर रिवाइज करें तो उसमें ये था कि लास्ट जो स्टैंजा चल रहा था उसमें जो ब्लेजर्स थे वो स्कॉर्पियन को ढूंढने के लिए निकले थे कैंडल्स एंड लैंटर्स लेकर के, और जब उनको वो नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, दे क्लिक्ड देयर टंग्स, अपनी जीभ से उन्होंने एक आवाज निकाली, जैसे एक आश्चर्य की जो आवाज निकाली जाती है भौचक्के होने पर जो आवाज निकाली जाती है एकदम से, तो क्लिक हुई एकदम से। क्लिक का मतलब हुआ एक साउंड प्रोड्यूस हुई विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, कि जो भी मूवमेंट जो भी हलचल वो कर रहा है स्कॉर्पियन उसका क्या प्रभाव होगा, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड। तो जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे बढ़ेगा उसका जो पॉइजन है वो माँ के ब्लड में भी बढ़ता जाएगा, यानी कि उनके शरीर में वो फैलता जाएगा। देश है ऐसा वो लोग कह रहे थे, जो ब्लेजर्स आए थे वो कह रहे थे कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे बढ़ेगा अपनी मूवमेंट कंटिन्यू रखेगा वैसे वैसे ही माँ के ब्लड में भी वो जहर जो है वो कंटिन्यूस फैलता रहेगा। तो ये जो चीज है ये उनके सुपरस्टिशंस को शो करती है कि वो किस प्रकार एक अंधविश्वास को मान रहे हैं कि एक स्कॉर्पियन चलेगा तो खून में अभी पॉइजन चलता रहेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्लिक्ड जो वर्ड है ये एक साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो वर्ड साउंड को प्रोड्यूस करे वो उसमें होता है हमारा ऑनोमेटोपोइया, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें क्लिक्ड, ठीक है। दूसरा अगर हम कहें कि उन्होंने ये बात अपने मन में जब ये सोची तो उन्होंने अपनी जो उंगलियां थी वो दांतों तले चबा ली, यानी कि एकदम से भौचक्के रह गए, ये इस लाइन का एक अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। मे ही सिट स्टिल दिस है, जब उन्हें लगा कि जब स्कॉर्पियन आगे बढ़ेगा तो ब्लड में पॉइजन बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मे ही सिट स्टिल, कि वो शांत हो जाए स्थिर हो जाए एक ही जगह पर रुक जाए, दिस है उन्होंने कहा। मे दी सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड। पीजेंट्स कह रहे हैं, ब्लेजर्स कह रहे हैं कि मे दी सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं, जो कुछ भी बुरा काम तुमने किया है, बी बर्न अवे टू नाइट, वो आज रात को ही उसका पश्चाताप हो जाए, बर्न अवे मतलब जल करके राख हो जाए, जो भी तुम्हारे पाप हैं वो आज तुम्हारे इस दर्द के साथ निकल जाए। मे योर सफरिंग डिक्रीज दी मिसफॉर्चून, कि जो तुम्हारी पीड़ा है जो तुम्हारा दर्द है डिक्रीज कम कर दे दी मिसफॉर्चून, तुम्हारे जो दुर्भाग्य हैं ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, तुम्हारे अगले जन्म में जो दुर्भाग्य आने वाले हैं जो बुरा समय आने वाला है उसको क्या कर दे, कम कर दे। तुम्हारी जो पीड़ा है वो पिछले जन्म के पाप तो धो ही दे, और इस जन्म के जो पाप अगले जन्म के जो पाप होंगे या अगले जन्म में जो बुरा होगा उसको क्या कर दे, कम कर दे, दे सैड, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सभी जो लाइन है उनमें उनका सुपरस्टिशंस एक्सप्रेस हो रहा है कि वो कितने अंधविश्वासी लोग हैं। मे दी सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, कि मेरी सम जो अब तक का टोटल है ऑफ ऑल इविल सभी बुराइयों का, चाहे वो पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो चाहे आने वाले जन्म का हो, वो सब क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, एक लेवल में आ जाए, संतुलित हो जाए, यानी कि सब बराबर हो जाए, जो हमारे पाप पुण्य है तुम्हारे द्वारा किए गए वो सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए इन दिस अनरियल वर्ल्ड। अनरियल का मतलब है भौतिक संसार, ये जो संसार है इस संसार में तुम्हारे द्वारा किए गए जो पाप और पुण्य है उनका बैलेंस जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए तुम्हारी इस पीड़ा से, तुम्हारे इस तकलीफ और दर्द से। तो यहां पर
जो पॉइंट है वो उन ब्लेजर्स के सुपरस्टिशंस को शो कर रहा है कि किस प्रकार वो अपने सुपरस्टिशंस का यूज करके उस माँ को जज कर रहे हैं कि उसने पाप किए हैं या पुण्य किए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो पहला मैंने बताया कि क्लिक्ड में ऑनोमेटोपोया यूज किया गया है। दूसरी बात देख रहे हैं आप कि इसमें सारे वाक्य जो हैं मे से शुरू हो रहे हैं, मे यानी कि एक ही सेम स्ट्रक्चर है सभी का, और जब कंटिन्यूस कुछ सेंटेंस एक ही स्ट्रक्चर में यूज किए जाए उनकी बिगिनिंग सेम हो, यानी सेम बिगिनिंग हो, तो सेम बिगिनिंग वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको कहते हैं एनाफोरा, यानी कि जिनमें सेम बिगिनिंग हो, सेम सेंटेंस पैटर्न हो, ऐसे सेंटेंस पैटर्न के लिए जो फिगर स्पीच होती है वो कौन सी होती है, एनाफोरा। अब देखेंगे कि इसमें जो एंडिंग है वो भी सेम है, दे सेड, दे सेड, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस शुरू हुआ हमारा यहां से मे से और ये खत्म हुआ दे सेड पे, ये शुरू हुआ मे से और यहां पर खत्म हुआ दे सेड पे, फिर यहां मे से, फिर दे सेड, मे से और ये आने आगे और आएगा भी दे सेड, ठीक है। तो दे सेड, दे सेड, दे सेड, दे सेड, जब एक ही चीज वाक्य के लास्ट में आए, सेंटेंस के क्लोजिंग में आए, तो उसको हम कहते हैं एपिस्ट्रॉफी या एपिफोरा, यानी कि बिगिनिंग वाली चीजों को कहते हैं एनाफोरा और क्लोजिंग में जो सेम पैटर्न यूज किया जाए उसको कहते हैं एपिस्ट्रॉफी या एपिफोरा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जिस भी पॉइंट में ये दोनों चीजें आती हैं, यानी कि एनाफोरा भी यूज हो और एपिफोरा भी यूज हो, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट में इन दोनों को मिलाकर एक जो फिगर स्पीच बनती है वो होती है हमारी सिम्प्लॉक्स, यानी कि एनाफोरा प्लस एपिस्ट्रॉफी या एपिफोरा इक्वल टू सिम्प्लॉक्स, ठीक है। कई पॉइंट ऐसी होती है कि जिनमें सिर्फ एनाफोरा हो सकता है और कई पॉइंट ऐसी होती है जिनमें केवल एपिस्ट्रॉफी या एपिफोरा हो सकता है, जो लेकिन जिन पॉइंट्स में ये दोनों हो उसमें क्या होगा, वो सिम्प्लॉक्स होगा। आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए मे द सम ऑफ ऑल एविल, मैंने वो लास्ट की दो लाइन यहां वापस ले लिए, मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ योर गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। ये कंप्लीट एक ही लाइन है कि तुम्हारी जो बुराइयों का जो टोटल है, जो कुल तुम्हारी बुराइयां हैं वो बैलेंस हो जाएं, बराबर हो जाएं इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में, अगेन द सम ऑफ गुड, उन अच्छाइयों के बदले जो तुमने अच्छाइयां की हैं, जो तुमने भलाई का कार्य किया है उसके बदले जो तुम्हारी बुराइयां हैं वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और क्या हो जाए, बिकम डिमिनिश्ड का मतलब गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, और ये क्या हो जाए, समाप्त तो हो जाए बाय योर पेन, तुम्हारी दर्द से, यानी कि जो तुम्हें पीड़ा हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, इस पीड़ा और तकलीफ से तुम्हारे इस जन्म के, पुनर्जन्म के जितने भी पाप हैं और जितने भी पुण्य हैं वो आपस में बैलेंस हो जाए, या पूरी तरह से जो तुम्हारे पाप हैं वो इस अच्छाई की बदौलत क्या हो जाए, बिल्कुल समाप्त हो जाए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड यू इस एंड योर स्प्रिट ऑफ एम्बिशन दे सैड, कि मे द पॉइजन प्यूरिफाई, कि जो जहर है वो प्यूरिफाई कर दे, शुद्ध कर दे योर फ्लैश ऑफ डिजायर, इच्छाओं से भरा तुम्हारा जो फ्लैश है, जो बॉडी है, फ्लैश का मतलब क्या है, बॉडी, की जो इच्छाओं से भरी तुम्हारी बॉडी है, जो शरीर है, जो तुम्हारा मन है, वो सबको क्या है, जो पॉइजन है स्कॉर्पियन का वो उसको प्यूरिफाई कर दे। एंड योर स्प्रिट ऑफ एम्बिशन, और जो तुम्हारी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं जो है उनकी जो स्प्रिट है, उसका जो मन है, दे सैड, वो उन्होंने कहा, यानी कि तुम्हारी इच्छाओं से भरा शरीर और आकांक्षाओं से भरा जो तुम्हारा मन है वो उस पॉइजन से क्या हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए, यानी कि मोह माया से तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओ। अब बात करते हैं फिगर स्पीच की, देखिए ये सेंटेंस मे से और ये सेंटेंस भी मे से शुरू हो रहा है, तो दोनों में वही हमारा क्या होगा, एना फोरा, ठीक है।
और ये हमारा कंटिन्यूस चल रहा था यहाँ पर दिस सेट जो हमारे पिछले सेंटेंस में था, तो ये हो गया यहाँ पे एपिफोरा। ठीक है, अब बात करते हैं एक हमारे पिछले स्टेंजा में शब्द आया था सिट स्टे। ठीक है, अब इसमें देखो एस और एस दोनों चीजें मिल रही हैं, तो ये एलिट्रेशन भी है। ठीक है, और आई की जो साउंड है वो भी एक जैसी है सिट स्टे। ठीक है, तो वो क्या है एजोनेंस। ठीक है, तो ये दोनों फिगर स्पीच उसमें यूज हुए हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि पॉइजन प्यूरिफाई। अब ये बताइए मुझे ऐसा कौन सा जहर है जो चीजों को शुद्ध कर दे। ठीक है, ऐसा कौन सा जहर है जो चीजों को शुद्ध कर दे, तो यहां पर जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है पैराडॉक्स। क्योंकि जहर कभी किसी चीज को शुद्ध नहीं करता है, अमृत करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो यूज हुआ है किस रेफरेंस में हुआ है कि जो बुराई है उसका अंत बुरे से ही होगा, ऐसा पॉइंट कहना चाह रहा है कि पॉइजन प्यूरिफाई। ठीक है, लेकिन यहां पर यूज क्या हुआ है पैराडॉक्स। और दूसरा इसके अलावा पी पी यानी कि एलिट्रेशन भी यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माय मदर इन द सेंटर। और वो जब वहां पर आ गए अपनी बातों को कहने लग रहे हैं तो दे सैट अराउंड वो आकर के बैठ गए हैं अराउंड ऑन द फ्लोर फर्श पर विद माय मदर इन द सेंटर। और सेंटर में कौन है, मेरी माँ है जो एक चटाई पर लेटी हुई है और चारों तरफ क्या है जो पीजेंट्स है वो आकर के बैठ गए हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सभी का चेहरा जो है एक शांत माहौल से बना हुआ है। एक तो इस तरह से वो वहां पर अपना समझदारी को व्यक्त करते हुए चारों तरफ बैठ गए हैं। मोर कैंडल्स मोर लैंटर्न्स मोर नेबर्स, यानी कि लोग आते ही जा रहे हैं। जब नेबर्स आ रहे हैं पड़ोसी आ रहे हैं तो अपने साथ क्या आ रहे हैं कैंडल्स लेके आ रहे हैं लैंटर्स लेके आ रहे हैं, तो और अधिक कैंडल्स और अधिक लैंटर्स आ रही हैं। मोर नेबर्स, और जो पड़ोसी आ रहे हैं और जो नेबर्स आ रहे हैं ब्लेजर्स आ रहे हैं उनके साथ। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। ठीक है, मोर इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश में कौन है कीड़े भी हैं मकोड़े भी हैं तो वो भी आ रहे हैं घर में। एंड द एंडलेस रेन, और क्या है रेन जो है वो एंडलेस यानी कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश हो रही है। अब एंडलेस रेन, रेन कभी एंडलेस नहीं हो सकती क्योंकि कभी ना कभी खत्म होती है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 1 दिन 2 दिन कभी तो खत्म होगी। तो एंडलेस रेन जो है वो यहाँ पर क्या यूज किया गया है हाइपरबोली, यानी कि हाइपरबोली का यूज किया क्योंकि एंडलेस रेन हो ही नहीं सकती, ऐसी कोई रेन नहीं है जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है हाइपरबोली। My mother twisted through and through, groaning on a mat. अब स्पीकर कह रहा है कि मेरी माँ जो थी वो ट्विस्ट कर रही थी, ट्विस्ट का मतलब एक तरह से आसान थी, छटपटा रही थी, दर्द हो रहा था और उस बिच्छू के जहर का, तो शरीर जो था वो मरोड़े खा रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, छटपटा रही थी वो through and through पूरी तरह से, groaning on a mat, चटाई पर लेटे लेटे, groaning का मतलब कराह रही थी, दर्द हो रहा था, अब मन ही मन उनकी कराने की आवाजें जो थी वो निकल रही थी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि मोर एंड मोर, फिर से बात करने का सेंटेंस शुरू हुआ है तो मोर और मोर से शुरू हो रहा है तो कौन सा होगा हमारा, वही एनाफोरा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है एनाफोरा। ठीक है, अब यहाँ पर मोर मोर एंड मोर तीन बार रिपीटेशन हुई है, तो यहाँ पर हमारा अगर जो है वो कौन सा हो गया रिपीटेशन हो गया। समझ में आया यादव, मोर मोर आ रहा है, दो सेंटेंस सेम पैटर्न में है तो ये क्या हो गया यहाँ पर एनाफोरा। ठीक है, और ये रिपीटेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया रिपीटेशन, क्योंकि यहाँ पर 5 बार इसका रिपीटेशन हो रहा है। अब पूछा जाए कि ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में दे सेड का यूज कितनी बार किया गया है, तो दे सेड का यूज टोटल 5 बार किया गया है। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में दे सेड कितनी बार यूज किया गया है पॉइंट के द्वारा, तो आंसर होगा 5। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे, माय फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, कि मेरे जो पिताजी हैं, स्पीकर कह रहा है
कि मेरे जो पिताजी हैं स्केप्टिक, स्केप्टिक का मतलब होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन थिंग्स इजीली, यानी किसी भी चीज पर आसानी से विश्वास ना करे, तर्क को मानने वाला व्यक्ति, ठीक है, यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग चलने वाला संदेहवादी, अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो संदेहवादी, तो हर चीज पर संदेह करता हो, संशय करता हो। रैशनलिस्ट और तर्कवादी थे माय फादर, स्केप्टिक रैशनलिस्ट जो तर्कवादी थे, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो क्या कर रहे थे, ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब आजमा रहे थे, एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, कर्स एंड ब्लेसिंग, कर्स का मतलब बुरे से बुरी चीज है, ब्लेसिंग का मतलब अच्छी से अच्छी, यानी कि बुरी और अच्छी जो भी चीजें उनको समझ में आ रही थी अपने अकॉर्डिंग, उन सभी चीजों को वो आजमा रहे थे। पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, जो किन रूप में थी, कोई भी पाउडर होगा, कोई दवाई के रूप में पाउडर, मिक्सचर उन चीजों का कोई मिक्सचर किया होगा उन्होंने जो आयुर्वेदिक दवाइयों का, हर्ब जड़ी बूटियां एंड हाइब्रिड, दो चीजों का मिक्सचर इज कॉल्ड हाइब्रिड, ठीक है। तो इन चीजों को वो यूज कर रहे थे अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए, ठीक है। कर्स एंड ब्लेसिंग दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो है एंटी थेसिस, ठीक है, अच्छी और बुरी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एंटी थेसिस, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, इन सभी चीजों का वो यूज कर रहे थे ताकि उनकी जो वाइफ है उससे बिच्छू के जहर को खत्म किया जा सके। ही इवन पॉर, यहां तक कि उन्होंने क्या किया, पॉर डाला अ लिटिल पैराफिन, पैराफिन का मतलब मिट्टी का तेल, उन्होंने थोड़ा पैराफिन जो था वो डाला अपॉन दी बिटन टॉय, जो माँ के पैर का जो अंगूठा था जहां पर बिच्छू ने काटा था उस जगह पर उन्होंने थोड़ा पैराफिन डाला and put a match to it, और उस पर क्या दिखाई, दिया सलाई या माचिस दिखाई, अर्थात उसमें थोड़ी सी आग लगा दी उस जगह पर जहां पर उन्होंने पैराफिन डाला। I watched the flame feeding on my mother, कि मैं देखता रहा फ्लेम को, जो फ्लेम आग निकल के आ रही थी उस पैराफिन की वजह से माँ के पैर पर, वो फीडिंग ऑन माई मदर, मेरी माँ पर बढ़ रही थी, यानी कि वो आग बढ़ती जा रही थी जब उस पर पैराफिन डाल दिया था। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation, कि मैंने देखा the holy man, holy man का मतलब है कोई पंडित पुजारी भी हो सकता है, कोई ओझा भी हो सकता है, या कोई सपेरा इस टाइप का व्यक्ति हो सकता है जो सांप बिच्छू इनके जहर को कम करता हो। तो होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, राइट का मतलब अपने कर्मकांड, अपनी क्रियाओं को कर रहा था वो, टू टेम, टेम का मतलब समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए, या उस पर लगाम कसने के लिए, किस पर, द पॉइजन जहर को, विद एन इनकांटेशन, इनकांटेशन का मतलब मंत्र, जादू टोना, जो उनके मंत्र होते हैं उन मंत्रों की मदद से वो क्या कर रहा था, अब उसकी माँ के शरीर से उस जहर को खत्म करने के लिए अपने कर्म कांड कर रहा था, अपनी क्रियाएं कर रहा था। After 20 hours, it lost its sting, कि 20 घंटे के बाद, लगभग 20 घंटे के बाद जो माँ थी उसमें से इसका, इसका मतलब यहां पर अब क्या क्या है, स्कॉर्पियन का जो स्टिंग था, यानी जो डंक था, उसका असर लॉस्ट, खत्म हुआ था, जो बिच्छू के द्वारा जो डंक मारा गया था उसका असर 20 घंटे के बाद खत्म हुआ। माय मदर ओनली सेड, और जब 20 घंटे के बाद माँ उठी तो उन्होंने कहा थैंक गॉड, कि शुक्र है भगवान का, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने मुझे काटा, एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, यानी मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने, केवल मुझे काटा, इस बात के लिए मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ, ठीक है। अब यहां तक हमने ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई, अब इसमें देख लेते हैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच। देखिए आई वॉच सेम सेंटेंस पैटर्न कौन सा होगा, एनाफोरा, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लेम फीडिंग, अब फीडिंग का जो काम होता है वो ह्यूमन का होता है, कोई भी चीज खिलाना, कोई भी चीज देना, तो यहां पर फ्लेम जो है वो ह्यूमन के रूप में काम कर रही है, तो जो फ्लेम है वो क्या है, ह्यूमनाइजिंग मेटाफर,
और दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं हम परसोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर एनाफोरा और ये हो गया ह्यूमनाइजिंग मेटाफर यानी कि परसोनिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद अब इस वाली लाइन में अगर हम देखें तो इसमें हमारी पोइम की जो थीम है वो आ रही है साइंस एंड रैशनलिस्ट की, यानी कि तर्क और विज्ञान के बारे में इसमें थीम बताई गई है कि उसके जो फादर थे वो उन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे जो गांव वाले कह रहे थे कि ये पिछले जन्म के पाप हैं या इस जन्म के पाप हैं। वो अपने कार्य में लगे रहे कि किसी ना किसी तरह से अपनी किसी दवाई से अपनी किसी चीज से वो अपने वाइफ के जहर को कम कर सके, यानी साइंटिफिक तरीके वो अपनाते रहे। कुछ जड़ी बूटियों को उन्होंने प्रयोग किया, दवाइयों का प्रयोग किया, मिक्सचर्स बनाए, घोल बनाए, तो इन सभी चीजों का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया अपनी वाइफ को ठीक करने की कोशिश की। तो ये हमारी थीम आती है तो साइंस एंड रैशनलिस्ट की। और जो हमारा लास्ट की जो तीन लाइनें हैं ये हमारे मैटरनल अफेक्शन, मैटरनल अफेक्शन यानी कि माँ के स्नेह के बारे में, माँ के प्यार के बारे में ये लाइनें बताई गई हैं कि बिच्छू के काट लेने के बाद भी अपने बारे में ना सोच करके कि मैं कहाँ हूँ कैसी हूँ, ये ना सोच करके उन्होंने केवल अपने बच्चों के बारे में सोचा कि भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने उनके बच्चों को नहीं काटा बल्कि उनको काटा। तो यहाँ पर ये एक माँ के प्यार को बताया गया, एक माँ की ममता को दर्शाया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ गई होगी आई होप। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज लाइक के काले बटन को नीला कर दीजिए और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और जो नए दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।